नया सरोवरों को होने के लिए हम लोग का सेंट्रल कमेटी भी आया। तो मैं पहले आप मीडिया के साथ में हम लोग सेंट्रल कमेटी के जो भी आया है इसको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। तो हमारा सामने में है हम लोग का एसडीसी का सेंट्रल कमेटी प्रेसिडेंट चंद्रकांत थेरंग जी, और हमारा इधर राइट साइड में डेनियल थेरम सेंट्रल कमेटी जीएस, आगे का कार्बी आंग ऑटोनॉमस काउंसिल का चेयरमैन, और आगे का काउंसिल सीएम सोना सिंह ईएम सोना सिंह थेरम, और हमारा जीएस सिंहसन, और हम लोगों का एक साथ में है केएसए का सेंट्रल कमेटी वाइस प्रेसिडेंट एंडरसन क्रो। तो आज में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशंस ऑल ओवर इंडिया हो या किसी के घटना के ऊपर में बा डिमांड्स के ऊपर में, और स्पेशली डिमा हासा और खरबी आंगलोंग के ऊपर में हम लोग का जो प्रेजेंस क्या सोचता है क्या करना चाहता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन हुआ, उसको अच्छी तरफ से आप लोगों को जो हम लोग का व्यूज और यो को फोकस करने के लिए हम लोग का सेंट्रल प्रेसिडेंट श्री सुमंग सर आप लोगों आज में अपने तरफ से बयान लेंगे। बहुत दिनों से पूछा कि मुझे प्रेसिडेंट देने का बात एनसीस में भी महासभा में भी जाके एक कथा करना होगा ऐसा हम लोग सोचा था, लेकिन हम लोग समय अच्छा मिला कल हम लोग आया आके बहुत जगह हम लोग बहुत लीडर से हम लोग बातचीत हुआ, और खुद हम लोग का एएसडीसी का डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर से हम लोग बातचीत भी हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि एएसडीसी ऑटोनॉमस डिमांड कमेटी ये हम लोग का मांग है। 1986 से हम लोग मूवमेंट किया है फॉर बोथ कार्बी आंगलोंग एंड डिमा हासाओ एक ऑटोनॉमस स्टेट। ऑटोनॉमस स्टेट तो आप लोग जानते हैं आसाम का अंदर ही दिस द हाईएस्ट ऑटोनॉमी अरेंजमेंट है। एक है सिक्स शेड्यूल से एमओयू भी हुआ हम लोग लाया, और यूपीडीएस का साथ डीएसडी का साथ हम लोग साथ दे के बाद में ये भी एग्रीमेंट हुआ, एसडीसी हम लोग मदद किया। और इसके बाद हम लोग देखा है कि 2017 से हम लोग एसडीसी और स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग सोचा, विशेष करके मुझे एसडीसी का प्रेसिडेंट देने के बाद हम लोग सोचा कि जाने वाला 34 इयर्स जो हम लोग रिलेंटलेसली जो हम लोग मूवमेंट किया है, बहुत मीडिया लोग भी हमको पूछा, अभी बीजेपी का सत्ता में है सेंट्रल हो स्टेट हो इन बोथ द काउंसिल कार्बी आंगलोंग और दिमा हासाओ, और आप लोग का लीडर्स भी बहुत चला गया, आप लोग सकेगा ऐसा हम लोग भी बहुत बार पूछा है, लेकिन मैंने हम लोग बताया है कि लीडर लोग चला गया उन लोग से पूछिए क्यों चला गया। जैसे हम लोग का मेन ऑटोनोम स्लोगन है नो ऑटोनोमस स्टेट नो रेस्ट, इसका जो कमिटमेंट है ये कमिटमेंट है, दिस इज अ सोशल कमिटमेंट पॉलिटिकल कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट और एन आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, ये इसमें जो रिलेटेड है, इसलिए जो लोग चला गया उन लोग का जो कमिटमेंट था वो कमिटमेंट को छोड़ के वो लोग दूसरा जगह में चला गया, कोई बीजेपी में गया कोई एजेपी में गया कोई एनपीपी में गया कोई कांग्रेस में गया ऐसा, नाउ स्कैटर्ड डिफरेंट कैंप में है। लेकिन अभी इस सिचुएशन में बीजेपी का सत्ता आने के बाद बहुत एंटी पीपुल का लॉ लाया है, एक लाया है खास करके इसका भी देखा है कि पहले डीमोनेटाइजेशन लाया, डिमोनेटेशन के बाद जीएसटी लाया, जीएसटी आने के बाद सीएएल आया, सीएएल आने के बाद लेटेस्ट ए फार्मर बिल 2020 लाया। सब विचार करके देखा है कि क्योंकि बीजेपी पहले सत्ता आने का आगे इलेक्शन का आगे आगे अभी 6 साल हुआ, उसी टाइम में वो लोग वोट के लिए वो लोग बहुत वादा किया, ये लाल फील्ड में भी एल के आडवाणी भी वादा किया कि ऑटोनॉमस स्टेट जब हम लोग का सत्ता में आएगा हम लोग विचार करेगा ऐसा बोल के देगा बोल के वादा भी किया, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और दकमो का फिल्म में भी राजनाथ सिंह खुद
जब वो प्रेसिडेंट था वो भी वादा करके किया जब बीजेपी का सत्ता में आएगा तब ऑटोनोमस स्टेट को हम लोग विचार किया जाएगा, गंभीरता से विचार किया जाएगा, ऐसा बोलता था, वादा किया था। लेकिन सत्ता आने का भाई 6 साल हुआ किंतु अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अभी देखा है कि जितना नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए अभी कार्बी आंगलोंग हो, दिमासा हो, जितना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, नॉट ओनली एएसडीसी, अदर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दिया। जैसे कार्बी आंगलोंग में जब कांग्रेस के में सत्ता था हितेश्वर शइकिया, तो हितेश्वर शइकिया दिन में बहुत पॉलिटिकल नेशनल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी खत्म कर दिया था 1991-92 में, जैसे यूपीसी, जैसे कार्बी आदरबार और केएपीसी, कार्बी आंगलोंग पीपुल्स कॉन्फ्रेंस लेड बाय सामसिंह हंसे, और सीआरपीसी लेड बाय चंद्र बसुमतारी, ऐसा करके बहुत रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दिया और कांग्रेस में धुका के सबको 2000 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कार्बी आंगलोंग दिमासा, डायरेक्ट कांग्रेस का नाम से वो लोग इलेक्शन में खेला, ये हम लोग देखा है, ये कांग्रेस है। इसीलिए एएसडीसी को भी ये सीपीआईएमएल का जरिए हम लोग को ख़त्म कर दिया। सीपीआईएमएल इज द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, जब भी हो सीपीआईएमएल के जो एएसडीसी को भंग करने के बाद अभी हम लोग रिवाइव करने का बहुत समय लगा, ये बात है। बहुत लीडर्स खत्म हो गए, खत्म कमीज कोई कोई सब बिगड़ गया, कोई कोई दूसरा दूसरा कैम में चला गया। अभी हम लोग देखा है कि बीजेपी अभी कोशिश है, अभी डीएसडी हो, यूपीडीएस हो, ये भी खत्म करने जा रहा है, ये हम लोग का सोच है, हम लोग का असेसमेंट है। लेकिन समय ही बताएगा यूपीडीएस क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम लोग देखा है कि ये रीजनल जितना संगठन हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, ऐसे ही खत्म करके वो लोग यहाँ में सत्ता आने के लिए वो लोग कोशिश कर रहा है। इसलिए इस सिचुएशन में हम लोग का कोशिश है कि अभी जो सिचुएशन है कोई कोई लीडर्स कंफर्ट जोन में है लेकिन पॉलिटिकली इनसिक्योर है, ऐसे है कार्बी आंगलोंग दिमासा में। इसीलिए बहुत लीडर्स लोग अभी एएसडीसी को अभी अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन बढ़ रहा है कार्बी आंगलोंग में भी। अभी बहुत पुराना बीजेपी कांग्रेस लीडर्स लोग हम लोग के पार्टी में शामिल हुआ और हम लोग देखा है कि दिमासा में भी ऐसा हम लोग देखा है। अभी बहुत पहले हम लोग का पार्टी में था लेकिन बाद में कांग्रेस में धुक गया, कोई के बीजेपी में धुक गया, ऐसा लीडर्स बहुत है। ये लीडर्स लोग अभी हम लोग से अभी बातचीत करना शुरू हुआ, कल से हम लोग बहुत लीडर से हम लोग बातचीत हुआ, अभी नाम नहीं बताएगा, बातचीत हुआ, देखा है कि ये संभव है धीमा हासाओ भी हम लोग और एएसडीसी और मजबूत करने के लिए। इस सिचुएशन में अभी पॉलिटिकल जो इंसिक्योर है जितना लीडर्स है, ठीक है हम लोग से चला गया, लेकिन अभी देखा इस सिचुएशन में पॉलिटिकल एक सिक्योरिटी लाने के लिए उन लोग हम लोग से एक कॉमन फोरम है, पुराना हम लोग जो मूवमेंट किया है एएसडीसी, इस दौरान में हम लोग से अभी बातचीत हो रहा है, ये बात है। इसलिए इस फेस में हम लोग एएसडीसी का ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन तो कार्बी आंगलोंग में तो होते रहा है और क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कमेटी का हम लोग कार्बी आंगलोंग में चार्थ हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, अक्टूबर का बीच में, महीना का बीच में ख़त्म हो जाएगा और थर्ड वीक ऑफ नवंबर हम लोग फॉर कार्बी आंगलोंग एंड दिमासा का जितना लीडर्स है हम लोग जितना संगठन हम लोग सेंट्रल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है थर्ड वीक ऑफ नवंबर। इसी सिलसिले में हम लोग दिमासा में आया, यहाँ में भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी पहले हम लोग मजबूत करेगा, बाद में यहाँ का जितना कॉन्स्टिट्यूंसी कमेटी है, ब्रांच कमेटी है, विलेज कमेटी है, हम लोग अकॉर्डिंगली हम लोग इसी जाने के लिए करने के लिए हम लोग बातचीत हो गया लोकल लीडर से। ये बात है, संभावना तो बहुत ज़्यादा है, ये संभावना को हम लोग देखा है, ये एक बार हम लोग का मिशन मेन एजेंडा है हम लोग का पार्टी एक्सपांसन एंड कंसल्टेशन। कंसल्टेशन मीन्स पॉलिटिकल कंसल्टेशन, इडियोलॉजिकल कंसल्टेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कंसल्टेशन, ये सब लेके हम लोग लीडर से हम लोग बातचीत हो रहा है और हम लोग का पार्टी जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म अभी कार्बी आंगलोंग में ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, सिर्फ दिमासा में है अभी शुरू हुआ हम लोग। इसीलिए हम लोग जितना पुराने जितना लीडर्स है हम लोग से बातचीत हुआ और वो लोग देखा है कि एएससी एक अल्टरनेटिव है कार्बी आंगलोंग के लिए, दिमासा के लिए, और हम लोग एक अब लोग का जरिए हम लोग और
कॉल करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आइए हम लोग पहले जैसे आंदोलन किया है ये आंदोलन हम लोग सकेगा, और हम लोग आइडेंटिफाई करना होगा हम लोग का जो पॉलिटिकल इनिमी, पॉलिटिकल इनिमी है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ड्यू टू नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हम लोग का जितना रीजनल का जो एस्पिरेशन है, मेन एस्पिरेशन है ऑटोनोमस स्टेट, ये ऑटोनोमस स्टेट अभी तक तो नहीं मिला है, इसीलिए वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। देखिए आप लोग जाने वाले कांग्रेस का सत्ता आया, त्रिबुल दीजा जो बोलते हैं हम लोग, दिल्ली, दिसपुर, दीपू एंड दिमाहासा, तीनों जगह जब वो लोग सत्ता में आता है, लेकिन इलेक्शन के आगे ऑटोनोमस स्टेट का बात बोलेगा, वादा भी करेगा, जब हम लोग सत्ता में आएगा हम लोग दे देगा। सत्ता आने के बाद बोलेगा कि गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसा बोल देता है, लेकिन पॉलिसी तो नहीं है लेकिन पार्टी का पॉलिसी है ना। वो लोग कैबिनेट में रिजोल्यूशन ले लो ना, कैबिनेट में रिजोल्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन टेकन इन द कैबिनेट एक बिल बना दो। इन अगर ये पॉलिटिकल इशू है इन बोथ द हाउस इन द पार्लियामेंट स्पेशली लोकसभा एंड राज्यसभा और पास कर दो तो एजेंसी क्या काम है। जो एजेंसी मांग करता है ये कार्बियांग दिमाहासाओ का मासेस का जो मूल एस्पिरेशन है, ये एस्पिरेशन का ऊपर हम लोग खड़ा होकर हम लोग मूवमेंट करते आ रहा है। अगर ओपोजिशन का जो मेन मांग और आप लोग भी मांगते हैं अभी ऑटोनोमस स्टेट, अभी सत्ता में भी है आप लोग, सत्ता आने के बाद आप लोग तो कैबिनेट में क्यों रिजोल्यूशन क्यों नहीं लेता। अभी बीजेपी सत्ता है, वो लोग भी वादा किया है, और वो लोग कभी कभी सत्ता आने के बाद भी और ऑटोनोमस स्टेट हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का दिमाहासाओ का जितना लीडर्स है और कार्बियांग का जितना लीडर्स है जंतर मंतर में जाकर वहां में वो लोग धरना करता है। तो कोई आदमी सोचेगा, कोई आदमी बोलेगा हाँ इतना सत्ता आने के बाद भी वो लोग तो ऑटोनोमस स्टेट नहीं छोड़ता है, वो लोग तो मूवमेंट करते रहा है, आदमी को ऐसा भरकाता है, आदमी को तो ऐसा मिसलीड करता है। लेकिन हम लोग बोला देखा है कि अभी ड्यू टू द नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग का जितना रीजनल का जो इन बोटा हिल्स डिस्ट्रिक्ट कार्बियांगलोंग एंड दिमाहासाओ का जो मेन हम लोग का जो मांग अभी पूरा नहीं ड्यू टू नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि हम लोग का कार्बियांगलोंग इन बोट कार्बियांगलोंग दिमाहासाओ का हम लोग का वीकनेस है, ये वीकनेस को यूज करता है, क्योंकि जितना सके आउट ऑफ 545 एमपीस एक ही एमपी चुन सकते हैं, जितना सके कार्बियांगलोंग और दिमाहासाओ 5-2 एमएलए ही चुन सकता है, ये हम लोग का लिमिटेशन है, ये हम लोग का वीकनेस है। ये वीकनेस को सेंट्रल कमिटी और सेंट्रल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी यूज करते आ रहा है, इसलिए हम लोग का जो पॉलिटिकल लाइन है जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अभी ईसा हो निशा हो अभी तो कार्बियांगलोंग दिमाहासाओ भी अभी नेशनल पॉलिटिकल अभी तीन तो है, बीजेपी है, कांग्रेस है और सीपीआईएम। वो लोग यहाँ का जो सेंटिमेंट है एक वोट के लिए वो लोग आर्मियों को ठग रहा है, और एक बार है कि जो करप्शन है वो लोग तो बहुत करप्टेड है, क्योंकि इन बोथ डिस्ट्रिक्ट कार्बियांगलोंग हो दिमाहासाओ डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ तो पार्टी का सिस्टम नहीं है, एज पर द 1951 पीपुल्स रिपब्लिक एक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ एमएलए और एमपी में पड़ता है, लेकिन कार्बियांग ऑटोनोमस काउंसिल दोनों में एक पार्टी का सिस्टम नहीं है। इसलिए नेशनल पॉलिटिकल पार्टी लोग जब सत्ता में आएगा वो काउंसिल को पैसा बनाने का मशीन बना देता है, ये मशीन है पैसा बनाने का मशीन जैसे बना देता है। जितना पैसा पहले हम लोग का सत्ता में था तो नॉट मोर देन 150 करोड़, अभी तो 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड, बजट का पैसा, ये तो 10,000-4,000 पैसा आते हैं ना, तो ये पैसा कहाँ चला गया, ग्राम में तो नहीं गया, लोअर लेवल तो नहीं गया ये पैसा, क्योंकि जो मनी फ्लो है ये मनी फ्लो कार्बियांग ऑटोनोमस काउंसिल और दिमाहासाओ काउंसिल का अंदर ही रख जाता है। इसीलिए जो करप्शन का डिफाइन करना है तो करप्शन में कोई पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी में करप्शन है, पॉलिसी में करप्शन है, करप्टेड है, ये बात है। इसीलिए ये सुविधा है, ये अपॉर्चुनिटी है हम लोग का आगे जाने के लिए आदमी को, ये हम लोग का आंदोलन के तरफ से लीडर तो कोई आदमी के तरफ जन्म नहीं लेता है, थ्रू मूवमेंट से लीडर को जन्म लेता है, इसीलिए ये हम लोग का होपफुल है, और हम लोग का जो सुझाव है
हम लोग का जो सोच है ये है कि अभी हम लोग का जितना केडर्स है, जितना लीडर्स है, मेरा विनती करना चाहता हूँ कि अभी हम लोग का कोई एमपी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई एमडीसी नहीं है, कोई ईएम नहीं है, ये सोचने का समय नहीं है। अभी हम लोग का आदमी सड़क में जाके आंदोलन करने वाला है ना नहीं है, ये हम लोग का सोच है। इसीलिए इस सोच से हम लोग आगे ले जाना है, ये बात एक बात है। और दूसरा बात तो आप लोग से और बातचीत करना चाहता हूँ, ये बात है कि त्रिपार्टी तक इनवाइट क्या है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को, त्रिपार्टी तक आने वाला काल होगा 7th, यह है टू बी हेल्ड ऑन 7/10/2020 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री जी किशन रेड्डी, ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऐसे बुलाए उन को। इसलिए इसका बात हम लोग बोलना चाहता हूँ, हम लोग अपोज करना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग को त्रिपार्टी तक बोला ये वेलकम किया है हम लोग, ठीक है, लेकिन हम लोग को भी कहीं नहीं बुलाया। अभी आप लोग का सत्ता में है, आप लोग के बात में क्या है, जैसे रिटर्न डॉक्यूमेंट भी है, जैसे 6/5/2013 तापिर गांव बोल के एक एमपी था, वो तो रिटर्न डॉक्यूमेंट भेजा था, लेकिन अभी तक नहीं मिला। इसीलिए तो सेंट्रल कमिटी को पिक एंड चोज जो पॉलिसी लिया है, ये हम लोग अपोज किया है। इसीलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम लोग रिक्वेस्ट है, तुरंत एएसएससी को भी त्रिपार्टी तक बुलाने के लिए हम लोग आप लोग का जरिए से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ये बात है। क्योंकि 244 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 10 244 आर्टिकल, ये आर्टिकल टू दिस इज द कमिटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ कार्बी एंगलोंग दिमासो, दिस इज द कमिटमेंट ऑफ द पार्लियामेंट इन द ईयर 1979 में ये कमिटमेंट दिया है 244A, ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में 69 में, 22nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 69 में अमेंडमेंट क्या है 22nd अमेंडमेंट में, और कार्बी एंगलोंग दिमासो कोई भी वो लोग चाहते हैं तो 244A ओनली वॉइस वोट भी कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन अभी तो पोलिटिकलाइज कर रहा है इशू, तो वोट के लिए वो लोग पोलिटिकलाइज कर रहा है। इसीलिए त्रिपार्टी तक हम लोग को बुलाना है, आप लोग का जरिए हम लोग रिक्वेस्ट करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसलिए ये बात है हम लोग का बात, ये दोनों बात है, एक है हम लोग का ऑर्गेनाइजेशनल का बात, और एक है गोरखालैंड जो पार्सिलिटी है, जो पिक एंड चूज जो पॉलिसी लिया है, ये हम लोग का पोस्ट किया है। इसीलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट किया है आप लोग का जरिए से, और तुरंत हम लोग को त्रिपार्टी तक बुलाने के लिए एजेंसी को, ये बात। मैंने बताया कि हम लोग का लीडरशिप बहुत चला गया, कोई कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई ऐसा चला गया है। इसलिए हम लोग का जो पार्टी है, ये पार्टी फिर हम लोग स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रेंथन करने का अभी इन ट्रू सेंस एएससी का ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन किया है, एक लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन टू पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कन्वर्ट करना है। ये दिस इज ट्रांजिशन पीरियड, नहीं पहले का बात नहीं है, ये पहले का बात नहीं है, जितना है जितना एरिया बाद में आप तो जानते हैं मैं किया था, मैं तो एक गायक था, गाना गाता था मूवमेंट के लिए आप जैसे है, लेकिन अभी जो साधारण मेंबर अभी प्रेसिडेंट होना पड़ा, जो हिस्ट्रिक जो रोल लेना पड़ा, एक क्राइसिस है, दिस अ क्राइसिस पीरियड। इसलिए अभी लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन से कैसे पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कन्वर्ट करेगा, दिस अ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ द एसडीसी। इसीलिए जाने वाले 2000 में प्रतिभाग हुए आप तो जानते हैं, और 2017 में हम लोग इंडिपेंडेंट एसडीसी हम खड़ा किया है 17 ईयर्स, दिस अ गैप, जनरेशन गैप, पीपुल्स गैप, पीपुल्स हम लोग बहुत गैप हुआ, ये भी ट्रू है, लेकिन देखा है कि सिचुएशन अभी देखा है कि बहुत लीडर्स लोग अभी एसडीसी में आना मांगता है, ये तो फॉर्म तो होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव फॉर्म किया है, अभी एसडीसी फॉर्म में है। इसलिए हम लोग बातचीत हो रहा है, ये इलेक्शन का आगे आगे ऐसा करेगा ऐसा बात नहीं है, लॉन्ग टर्म एक मूवमेंट, एक नेशनलिटी मूवमेंट ले जाने के लिए हम लोग जो नो तो नमस्ते नो रेस्ट जो हम लोग का है स्लोगन है, ये स्लोगन तो हम लोग ले जाएगा, ले जाने के लिए बहुत कम लीडर का बीच में भी अभी जीरो से हम लोग शुरू किया है, आप जानते हैं, समझ लिया अभी जीरो से समझ लिया है, और जीरो से हम लोग शुरू किया है, अभी शुरू करके देखा है कि अभी
दो तीन तीन साल 2017 से अभी तीन साल हो गया, तीन साल के बाद में अभी लोग अभी सूचने आया कि ASDC एक फॉरम है जो फॉरम को, लेकिन हम लोग तो कहाँ गया, हम लोग तो जाने से हम लोग भी सकता है ना BJP के मार्च करके पर्सनल एजेंडा। अभी कार्बी आंगलोंग दिमाशा में जितना आदमी है सब पर्सनल एजेंडा है, मैं ग्रामीण लोग को नहीं बताया, सब पर्सनल एजेंडा है। 20 साल का पीछे दिमाशाओं का जितना हो, दिमाशा से लेकर जितना ट्राइब है इसका भविष्य क्या होगा, इसका सोच नहीं है, कोई इशू नहीं है कार्बी आंगलोंग में। ऐसा 30 साल के बाद में क्या होगा, कार्बी आंगलोंग कार्बी के सुर के जितना इंडिजिनस ट्राइब है क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, कोई विचार नहीं है। अभी सब जितना है ड्यू टू नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज वो लोग सब बिगाड़ दिया, थान धान कर दिया, खत्म कर दिया। इसीलिए हम लोग ये इस सिचुएशन में अभी सत्ता ASDC को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, अभी BJP को भी देखा, 6 साल में क्या किया है। अभी जो कंपेरिजन अभी आ रहा है कार्बी आंगलोंग में भी पीपुल्स के अंदर अभी सोच रहा है कि हाँ पहले जैसा ASDC लोग सत्ता में था, नौकरी डेमोक्रेटिकली वो लोग किया है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट कमिटी बोल के बना के हम लोग नियरेस्ट बैंक में पैसा, काउंसिल का जितना प्रो पीपुल जितना स्कीम है उसका पैसा हम लोग नियरेस्ट बैंक में डाल देता है, वो लोग पीपुल्स डिसाइड करेगा कहाँ रास्ता सड़क बनेगा, क्या बनेगा, ऐसा किया है। इसलिए थ्रू जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू द मासेस टू द लास्ट मैन हम लोग ही किया है, ये हम लोग। हाँ ये हम लोग का मॉरल ड्यूटी है, क्यों डिस्क्रिमिनेट किया है ये बात है। इसीलिए हम लोग बोला है कि गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी शो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अभी जो पॉलिसी अभी चेंज हुआ, अभी पिक एंड चूज, कोई किसी अच्छा लगेगा उसको ले लेगा, कोई खराब लगेगा उसको ठेल देगा। ये जो पिक एंड चूज जो पॉलिसी है हम लोग ये अपोज किया है, ये छोड़िए, क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनलिटी मूवमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट ASDC जो लीड करता है, मूवमेंट करेगा, हम लोग मूवमेंट करना होगा, और अलावा क्या क्या हो सकते हैं, मूवमेंट करना ही पड़ेगा। इसीलिए जो मूवमेंट करना नहीं करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी का ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जाने वाला 34 ईयर्स में पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मीन से हम लोग मूवमेंट करते हैं, और आने वाला दिन में भी पीसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट से हम लोग जाएगा।